भिंड मुरैना के लोगों ने कभी सिंधिया को नेता नहीं माना। सिंधिया परिवार का हमेशा हम लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहा हूँ, मरते दम तक करते रहेंगे। तो आपने सिंधिया जी के साथ कांग्रेस के साथ विरोध किया था? नहीं, कांग्रेस का नहीं, व्यक्ति सिंधिया जी का। कांग्रेस के तो हम कसम खा सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 10,000 कार्यकर्ता निकलेंगे उसमें से एक दिनेश गुर्जर निकलेगा। मुरैना जिले की 6 सीटों का सर्वे को लेकर निकला हूं और आज मुरैना पहुंचा हूं। मुरैना में आप एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात जो मध्य प्रदेश में किसी पर्चे की मोहताज नहीं है, आज हमें नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का किसान उनको जानता है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है जी। नमस्कार सभी। दिनेश गुर्जर जी, क्या लग रहा है, वक्त बहुत कम बचा है, कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या विजन है? देखिए, जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने कमर कस के और मध्य प्रदेश के सारे नेताओं ने एक क्षेत्रों में जा जाकर जो मजबूत करने का काम कांग्रेस का हो रहा है, और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जो राष्ट्रीय हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, जो हमारे सचिवगण हैं, इससे पहले कभी हमने नहीं देखा था कि राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी सालों में एक दिन आते थे। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो भी जिस संभाग के प्रभारी है, जैसे उदाहरण तौर पर हमारे यहाँ शिव भाटिया जी को बनाया है, तो आप देखेंगे कि अभी एक महीना नहीं हुआ उसमें कम से कम उनके पूरा ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे हो गए और ये मुरैना में उनकी दूसरी मीटिंग हो गई। तो जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रभारी गांव और क्षेत्रों में जा रहे हैं, गरीब कार्यकर्ताओं के पास बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, एक मंशा जो बनाई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ें जिससे गरीब मजदूर अधिक को न्याय दिला सके, और भारतीय जनता पार्टी जो बेईमानी कर रही है, नौजवानों के साथ छल कर रही है, किसानों को लूटने ठगने काम कर रही है, उसको यहाँ से भगाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। दिनेश गुर्जर जी, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अभी IM5 वचन किसानों के लिए दे दिए हैं, वो किसानों का बिजली का बिल माफ़ करेंगे और 5 पावर हाउस तक का और 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली हाफ दे रहे हैं, 5 योजना है, 4 करोड़ का कर्ज है, कैसे करेंगे ये सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाना तो जानती है कि कमलनाथ जी ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, पर हम ये कहना चाहते हैं, कमलनाथ जी का आप 1.5 वर्ष का कार्यकाल देखिए, 28 लाख किसान भाइयों के मध्य प्रदेश में किसानों कर्जे माफ़ किए, जबकि इन बेईमान लुटेरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान इतना कर्जा इस प्रदेश पर कर गए कि उस कर्जे को मध्य प्रदेश कैसे चुकाएगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पर माननीय कमलनाथ जी कि ये मंशा है कि मैं गरीब मजदूर नौजवान किसान को कैसे आगे लाऊं, उसके लिए चाहे उनको कोई भी काम करना पड़े, जिस तरह से 15 महीने की सरकार में उस समय भी किसानों मध्य प्रदेश पे कर्जा था, घाटे में सरकार थी, उसके बाद भी माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में किसानों कर्जे माफ़ किए। भाजपा कह रही कर्जा माफ़ नहीं हुआ। देखिए, वो लोग तो झूठे लोग हैं, बेईमान हैं, अगर वो खानदानी है तो अपने माता पिता की बच्चों की कसम खाएँ, शिवराज सिंह चौहान अपने बच्चों की कसम खाएं, अपनी पत्नी की कसम खाएं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कर्जे माफ़ किए हैं कि नहीं किए हैं, और क्योंकि ये झूठे लोग हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र में जब मध्य प्रदेश के विधायकों ने ये मांग की कि आप बताइए कि आप झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कर्जे माफ़ नहीं हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने विधानसभा में ये स्वीकार किया था कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों से अधिक के कर्जे माफ़ हुए हैं कमलनाथ सरकार में। गुर्जर जी, अभी अभी आपके प्रभारी शिव भाटिया जी का जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है, उन्होंने कहा है कि सिंधिया जी का मुंह काला करेंगे, आज सिंधिया जी भाजपा में चले गए तो मुंह काला करने की बात थी, जब कांग्रेस में थे तब सिंधिया जी गद्दार नहीं थे क्या? देखिए, ऐसा है, सिंधिया जी कभी भी सिंधिया जी को ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों ने अपना आदर्श और नेता नहीं माना। अगर आदर्श और नेता माना जा गया होता तो ग्वालियर नगर निगम कभी कई बार जीती होती, और ग्वालियर चंबल संभाग में हमेशा अपने जो कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपने धन और अपने बल पे चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं, और मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। सिंधिया जी ने कभी मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी, और ये अच्छा हुआ कि समय और लेट जाते, समय से पहले वो चले गए, तो कम से कम हम ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को उनसे एक मुक्ति मिली है। जो इस तरह से वो अपमान करने का काम कांग्रेस में करते थे, जो कार्यकर्ताओं को डांटने का काम करते थे, उनको सम्मान नहीं देते थे, आज वो यहाँ से चले गए, इसके लिए हम हृदय के आभारी हैं ईश्वर के कि कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान से जीने का एक अवसर भगवान ने हम लोगों को दिया।
दिनेश गुर्जर जी, अभी प्रियंका गांधी की मंच पर जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने सिंधिया पर जो हमला किया है, सिंधिया को गद्दार बताया, सिंधिया खानदान को, बदले में जो होता है सिंधिया जी का बयान आता है कि जो लोग हमारे इतिहास की बात कर रहे हैं पहले वो अपना इतिहास जान लें। देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का क्या इतिहास पूछेंगे, एक सामान्य परिवार के किसान के बेटे डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। उनके पूर्वजों ने, पूर्वजों ना तो कोई महलों में रहे हैं, एक गरीब किसान के बेटे हल जोतकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आज ग्वालियर चंबल संभाग में मानव सेवा जन सेवा करने का काम डॉक्टर गोविंद सिंह कर रहे हैं। और एक तरफ ऐसे नेता सिंधिया जिसके परिवार ने अंग्रेजों की गुलामी की, झांसी की रानी मरवाई, जो झांसी की रानी पूरे विश्व की प्रथम महिला किसान नेता थी जिन्होंने क्रांति, किसान क्रांति लाकर इस हिंदुस्तान के किसानों को अंग्रेजों से बचाया था, हड़प नीति को ख़त्म करवाया था, ऐसी नेता झांसी की रानी थी, और उनको मरवाने का काम इन लोगों ने किया, ये इनके तो किताबों में लिखा है। तो ये सिर्फ जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं पूछ ले, इतिहास गवाह है कि सिंधिया जी का परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, वो गोविंद सिंह जी के परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, आपको दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। गोविंद सिंह, दिनेश गुर्जर जी, इतिहास की आपने बात की तो ये तो बहुत पुराना इतिहास है, सुमित्रा कुमारी चौहान का ने उसको लिखा है, लेकिन अब क्यों याद आ रही है सिंधिया जी की कि वो गद्दार है? माधव सिंधिया तो कांग्रेस में थे, तब क्यों नहीं कहा, तब वो क्या वो गद्दार नहीं थे क्या? देखिए, ऐसा है कि किसी की हम तो नहीं जानते, पर मुरैना के और भिंड मुरैना के लोगों ने कभी सिंधिया को नेता नहीं माना। कांग्रेस में भी थे तो हम लोगों की बात अगर करें तो हम लोगों ने कभी इसी वजह से सिंधिया जी को नेता अपना नहीं माना था, क्योंकि झांसी की रानी को जब उनको जब मदद नहीं की थी और उनकी जो अंग्रेजों ने हत्या की थी, हम इस वजह से कभी भी सिंधिया परिवार के पास नहीं गए, और सिंधिया परिवार का हमेशा हम लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहा हूँ, मरते दम तक करते रहेंगे। तो आपने सिंधिया जी के साथ उसमें कांग्रेस के साथ विरोध किया था? नहीं, कांग्रेस का नहीं, व्यक्ति सिंधिया जी का, कांग्रेस के तो हम कसम खा सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 10,000 कार्यकर्ता निकलेंगे उसमें से एक दिनेश गुर्जर निकलेगा। दिनेश गुर्जर जी, आप मुरैना से हैं, मुरैना में जिस तरीके से सीवर लाइन जो टूटी फूटी पड़ी हुई है, जिस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रहे हैं, तो कैसे आप इसको बहाली लाएंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का जाल मुरैना में फैलाया था, पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर कार्यकाल के समय सीवर लाइनों बिछाई गई थी और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, काम मुरैना में अभी आधे वार्डों में काम नहीं हुआ, सीवर लाइन का भुगतान पूरा कर दिया गया है, और तो उसके परिणाम हमारे मुरैनाई जनता को भुगतना पड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लंबी कमीशन लेकर महापौर द्वारा, उनके द्वारा जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं सब ने मिली भगत करके सीवर लाइन का काम पूरे वार्डों में हो नहीं पाया और पूरे सीवर लाइन के ठेकेदार का पेमेंट कर दिया, भुगतान कर दिया, आज हमारे मुरैनाई जनता परेशान है। इसके हमारे मुरैना अब ईश्वरी कृपा से, जनता के आशीर्वाद से महापौर बनी है शारदा सोलंकी, पूरे भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुरैना शहर को एक ध्वस्त करके रखा उसको धीरे धीरे हम पटरी पे कैसे लाएं, उसके लिए पूरे निरंतर प्रयास हैं। 186 करोड़ रुपए का अभी विकास योजनाएं लाकर बाड़ों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और नालियों का निर्माण किया जा रहा है, आने वाले 5 साल के अंदर मुरैना शहर में हमें उम्मीद है कि महापौर नगर निगम मुरैना कांग्रेस के नेतृत्व में मजबूती से काम कर मुरैना को एक स्वच्छ मुरैना बनाएंगे। क्या इस बार राकेश मावई को पुनः कांग्रेस पार्टी दाव लगाई? ये कांग्रेस पार्टी के सर्वे चलेंगे, जब कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होगा उसको सब स्वीकार करेगा। ये थे आपकी जन अदालत न्यूज़। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर बने हुए थे। पापा रुको रुको, उसको नीचे उतारो ना। नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। मम्मा भूख लगी है। हाँ हाँ बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा, रसोई में लाइए रसखानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए, डी और ई भी है विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।